यूपी पुलिस ने बुधवार को एक ऐसे हत्याकांड का खुलासा किया है कि हत्या की वजह जानकर हर कोई हैरान रह गया कि सिर्फ 4 रुपए की खातिर कोई किसी को इतनी बेरहमी से कैसे मौत के घाट उतार सकता है। एसएसपी ने हत्या के 3 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए मीडिया के सामने पेश किया तो वह भी अपने किए पर पछताते हुए नजर आए। नमस्कार, मैं अभिनव रस्तोगी और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जिले का है, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद संतोष गंगवार के फतेहगंज पश्चिमी के गांव टूलिया में 13 मार्च की रात हाईवे किनारे ढाबा चलाने वाले सेवाराम की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। 14 मार्च की सुबह सेवाराम का शव ढाबे पर रजाई से ढका मिला था। मामला पूर्व केंद्रीय मंत्री के गाँव से जुड़ा था, इसलिए पुलिस की कई टीमें इसके पर्दाफाश के लिए लगा दी गई। जांच के बाद पुलिस ने उसके पास के गांव धनतिया निवासी ननकू, मोजिन खान और मुन्ना को गिरफ्तार करते हुए बुधवार को हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। एसएसपी रोहित सिंह सजवाण ने मीडिया को बताया कि ढाबा संचालक की हत्या महज 4 रुपए की खातिर की गई थी। ढाबा संचालक सेवाराम ने 2 चाय के लिए 20 रुपए मांगे थे, जबकि आरोपी ननकू 16 रुपए दे रहा था। 4 रुपए को लेकर सेवाराम ने ननकू को जमकर खरी कोटी सुनाई। यह बात ननकू को इतनी नागवार गूंज रही कि उसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। ननकू ने बताया कि सेवाराम ने 2 चाय के लिए 20 रुपए देने की बात कही थी। उसके पास 16 रुपए थे जो उसने उसे दे दिए। बाकी के 4 रुपए उसने बाद में देने के लिए कहे थे, मगर सेवाराम ने 4 रुपए के लिए उसे बेइज्जत किया। यह बात उसे नागवार गुजरी। उसने अपने साथियों को पूरा विवाद बताया, फिर साथियों के साथ जमकर शराब पी और मौका देखकर ढाबा संचालक की चाकुओं से गोदकर निर्मम हत्या कर दी। आइए आपको दिखाते हैं पूरे मामले में एसएसपी और मुख्य आरोपी ननकू ने क्या कहा। वो बोला 10 रुपए की चाय, हमने भी 10 की रहा, 8 रुपए की चाय मिल रही है, इतने में वो बोला पीना है पी और पैसे पीने पूरे पैसे देगा, पूरे नगारे को दिखा रहा है तो चाय पे जो ढकने का वो निकाला मैंने, बोला था नहीं है मार दूंगा तो पैसे पूरे दे के जाएगा। तो मैंने कहा सर आप बदतमीज क्यों बोल रहे हो, तुम 20 रुपए ले लो, बोले दे फटाफट मानो जो तेरे खींच के। तो मैं कुछ ना बोला, मैंने बाबू 20 रुपए दिए, मैं अपने घर पे चला गया। सुबह को आया काम पे, काम करा मैंने दिन भर, शाम को मैं गया घर पे अपने दोस्त के। तो मैंने मैं बैठा रहा, तभी मैं घर से लिख रहा, तभी ये मुन्ना बारे लेकर आया, बोले क्या बात नंबू भैया कैसे था, तुम्हें यार मैंने ऐसी बेइज्जती करी बहुत तगड़ी यार, और यार कुल 20 रुपए चक्कर में यार गलती हुई हमारी 4 रुपए के चक्कर में। तो जो बोले यार ऐसी बात है तो चलो चल रहा है, चलो फिर हम पहुँचे भट्टी पे। सर भट्टी पे आके हमने दारू पी, फिर वैसे जाके हमने वो जो है लेटा था वहाँ पर जाके फिर हमने कब्जा कर दिया उस पर, तो चाकू मैंने मारे थे पहले उसके, ठीक फिर मैंने पैर पकड़ लिए, फिर हमने दोनों ने मारे। थाना फतेहगंज पश्चिमी के अंतर्गत 14 तारीख की सुबह एक सेवाराम गंगवार थे, ये अपनी एक झोपड़ी इनकी हाईवे के किनारे है, वहाँ पर ये खाने का सामान बेचते थे, क्या कर दी गई थी और ये अपनी झोपड़ी के बाहरी जो चारपाई है उस पर पाए गए थे, मृत पाए गए थे। इसमें पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वहाँ पर इनके जो बेटे हैं उनके द्वारा एक तहरीर देकर मुकदमा धारा 302 IPC के अंतर्गत पंजीकृत कराया गया अज्ञात के विरुद्ध। पुलिस ने इसमें छानबीन की तो इसमें 3 लोगों के नाम प्रकाश में हैं, जिसमें एक ननकू उर्फ मुनव्वर खां, मुजीम खां और मुन्ना उर्फ मुशरफ खां, ये तीनों ही लोगों के नाम प्रकाश में हैं। इसमें जो 2 लोग हैं वो तीनों ही लोग हैं वो धनतिया गांव के हैं, जो मृतक का जो पास का गांव का है उसके रहने वाले हैं। इसमें जो मुन्ना ननकू उर्फ मुनव्वर खां हैं, ये एक दिन पहले वहाँ पर चाय पीने गए थे और चाय पीने के पैसे के रेट को लेकर इनके आपस में बहस हुई थी, और जो बताया गया है कि जो मृतक है उन्होंने इनका बहुत अपमान किया था, और इस वजह से और वहाँ पे इसके गांव के लोग भी मौजूद थे, तो ये जो व्यक्ति है इसको काफ़ी अपमान महसूस हुआ। और उसके बाद ये अगले दिन जब घर गया तो शराब के नशे में इसने 2 और लोगों को ये बात बताई, और तीनों ही ने मिलकर जो 13 तारीख की रात्रि को उसके इस झोपड़ी पर गए और वहाँ पर रात्रि को नशे में जो है इनकी हत्या कर दी। और इसमें जो धारदार हथियार जो है वो भी प्रयुक्त जो घटना में है वो भी पुलिस द्वारा बरामद किया गया। तीनों ही व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और तीनों को ही गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है।